अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत ऑफिस से होंगे। तो आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, लॉन्ग बिल्डिंग जिसमें हम गडोन वायरिंग करते हैं। जैसा कि एक बटन, एक बल्ब को ऑन किया, आगे से वो बंद कर दिया, फिर आगे जाके फिर उसको आगे वाला ऑन कर दिया, फिर पीछे वाला बंद कर दिया, आगे वाला ऑन कर दिया, पीछे वाला बंद कर दिया। तो ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए हमने आज एक टू वे बटन, एक सिंग वन वे बटन, दो बल्ब होल्डर और बल्ब का इस्तेमाल करते हुए आपको ये तरीकाकार समझाना है कि किस तरह से वायरिंग करनी है। तो टाइम ज़ाया करने से पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बटन के इस वाले पॉइंट में एक वायर लगा लेंगे। और इसका दूसरा सिरा इसके इस वाले पॉइंट में लगा देंगे। हमने भी पॉइंट के इस वाले पॉइंट में लगा ले हैं। और उसके बाद हम एक रेड कलर की वायर लेंगे जो इस वाले पॉइंट में लगेगी। रेड कलर की वायर इस वाले पॉइंट में लगने के बाद बल्ब होल्डर में लगेगी। बल्ब होल्डर में दो टर्मिनल होते हैं, एक न्यूट्रल के लिए, एक फेज के लिए, याद रखा करें। वायर हमने इस वाले पॉइंट में लगा दी है। और इसी तरीके से हम एक और वायर लेंगे जो टू वे बटन के नीचे वाले पॉइंट में लगेगी। टू वे वाले बटन के नीचे वाले पॉइंट में लग के बल्ब होल्डर के अंदर लगेगी। जीते व्यूअर, हम बल्ब होल्डर के नीचे वाले पॉइंट में वायर लगा ली है। यहाँ तक हम फेस के कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब इसमें हम न्यूट्रल ऐड करेंगे। न्यूट्रल वाली वायर इस बल्ब के होल्डर के एक पॉइंट में लगेगी। और यह न्यूट्रल के दूसरी बल्ब के दूसरे वाले बल्ब के पॉइंट में लगेंगे। जी तो यहाँ तक हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब इसमें हमने फेस और न्यूट्रल को ऐड करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट हमने इसमें देना है। फेस के लिए हम एक रेड कलर की वायर इस्तेमाल करेंगे जो बटन के वन में बटन के इस वाले पॉइंट में लगेगी। और न्यूट्रल के लिए हम एक ब्लैक कलर की वायर इस्तेमाल करेंगे जो बल्ब इस वाले बल्ब के न्यूट्रल वाले पॉइंट में लगेगी। न्यूट्रल वाली वायर हम बल्ब के इस वाले पॉइंट में लगाएंगे। बल्ब के इस वाले पॉइंट में लगाने के बाद अभी हम इसको उसी तरीके से बंद कर लेते हैं। जी तो व्यूअर, अच्छे तरीके से बंद करने के बाद हम ये सर्किट आपको चला कर दिखाते हैं किस तरह से आपका सर्किट बनेगा। जब आप ये वाला बटन ऑन करेंगे वन वे वाला, तो आपका ये वाला बल्ब ग्लो करना शुरू कर जाएगा उस वाली बिल्डिंग का। और जब आप आगे वाली बिल्डिंग में जाएंगे तो ये बल्ब अब
बटन ऑन करेंगे तो आगे वाली बिल्डिंग का बल्ब ऑन हो जाएगा और पीछे वाली का बंद हो जाएगा। इस तरह से आगे मल्टी स्विच आप लगाते जाएंगे तो आगे आगे जितना लंबा गडाउन है उसमें बल्ब आगे आगे से आगे चलता चलते जाएंगे। तो ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।